यहाँ का शीर्षक है बैराग और वियोग। चार लाइन भूमिका के अंदर कवि जी का भाव है। रुक सकती कभी ना हृदय कुंज का, बन के तूफान भावना जागती है, त्याग करके वतन मन मगन चल पड़े, तन पे गेरुआ बसन काल गुदरी कन्हावर, सतगुरु के चरण में लगी जब लगल, मन विभावे भजन काल गुदरी कन्हावर। यही विदेशिया का भाव दिहल गई मास्टर कैसे बाबा। हसी हसी पनावा खियावले बेई बनावा, यपना बसेला पर दे, यही से दोस्तों कहानी की शुरुआत है। उज्जैन नगरिया के राजा भरथरी रहले, खेलन गए शिकार एक दिन, खेलन गए शिकार एक दिन, तोड़ल बाला पर्वत पर गोरखनाथ बनावा में जोगावा में रहले उले, जोगावा में रहले उले। उज्जैन नगरी के राजा भरथरी शिकार खेलने चल पड़ते हैं, जोग में लीन हुए तोड़ल बल पर्वत के सभी के ऊपर जोगी बाबा। देखलन का देखलन मास्टर, लैला मजनू लैला मजनू तो बदल एक चाल के, लेकिन पहुंचे किस जगह पर, इस जगह सन जीवनी का कुंड था, की पानी मिलेगी, संतों का काम है सदा सुपंथ दिखाना, सेवा में ही संसार को है ज्ञान सिखाना।
वही मृगो का झुंड दिखाया, उस वन में एक वही मृगो का झुंड दिखाया, राजा ने साधा बाण मृगा पर चलाया। राजा भरथरी शिकार खेलने गए थे ना, ढेर सारा हिरणों में एक ही हिरण था बाबू, उस पे राजा भरथरी बाण चला दिए, हिरण धरा पर गिर पड़ा। राजा भरथरी बड़ा खुश भइल, सीधे सही चोट जब मृगा के सिर पर लागल बा, पिजड़ा से प्राण पंछी बखेरा तज के खाल राजा भरथरी शिकार खेलने गए थे ना, जब ढेर सारा हिरण देखते हैं बाबू, ढेर सारा हिरणियों में एक ही हिरण था, और उस हिरण पर बाण चला दिए, हिरण धरा पर गिर पड़ा। राजा भरथरी बड़ा खुश भइलन कि वाह, जिसलिए हमने आया वो मेरा काम हो गया, हिरण कंधे पर लेकर के चल देते हैं अपने घर की तरफ। हिरणियों की क्या हालात में भैया कर लगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे यार नहीं लूट लिया घर, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का। लेकिन राजा भरथरी बड़ा खुश भइल, हिरण लेकर कंधे पे चल देना, तो हिरणियन के का हालात बा, सब ही हिरणिया विलाप करे लगल, पियावा के दाह में सबिया भर लगल, पीछे 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 लगल है। राजा भरथरी कंधे पर हिरण लेकर के बाबूजी चल दिए तोड़लमल पर्वत के समीप बैठे हुए गुरु गोरखनाथ साधना से हट गए, देखलन कोई इंसान कंधे पर हिरण लेकर के जा रहा है और ढेर सारा हिरणी पीछे पीछे लगल है। जाए के राजा भरथरी के रास्ता रोक लिए, बोले ओए राजल, मारने कहा गुस्सी को होता है, जो मार करके जिला ले जाओ। राजा भरथरी बड़ा सोचे लगल, हिरण गिरा देला नीचे, तो भैल का मास्टर गीत लगा,
कितनी सुंदर कवि जी भाव लिखलन भाई का बाल दा बनावले से राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ से कहत हूं बाल दा बनावले से बिगड़ल मूरतिया हो बाबा जीवा जिंदगी से तोड़ला सनेहिया जोगी बाबा कहलन राजा भरथरी जो जीव जिंदगी से निकल जाता है कभी वो आता नहीं है। अब का कह देले बाबा जोगी बाबा कहलन का जोगी बाबा कहलन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नहीं जीता है जीव। कैलन का बाबू एक मिट्टी परोड़ते हैं और मिट्टी परोड़ के कैलन का गीत लगा मिट्टी परोर के कैलन का मारी देले हो गुरु सतावई का बना जिंदा।
मिट्टी परोर करके जोगी बाबा उस मरा हिरण पर मार दिए बाबू। हिरण उठ करके बाबू जंगल की तरफ भाग चला। राजा भरथरी बड़ा खुश भइलन कि वाह क्या मालिक ने आपको, कितने गुणवान हैं, क्या मालिक ने आपको कला दिया है। एक जोगी फकीर और मैं एक राजा, कितने आप गुणवान हैं। तेरी के भाव लगन मास्टर। गुदरिया पर लुभायल मनवा त गुदरिया, गुदरिया पर लुभायल मनवा बाजल बसंत बेला में बिरही गुदरिया पर लुभायल मनवा बाजल बसंत बेला में बिरही बसुरिया। रे बसुरिया चाय के राजा भरथरी जोगी बाबा के चरण पर गिर जाते हैं। कहे राजन ऐसा क्यों कर रहे हो। कहे हमें भी शिष्य बनना है, अपना शिष्य बना लो, हमें भी गुणवान होना है। जोगी बाबा रानी पिंगला जब इतनी बात सुनती है बाबू तो कहती है अगर तू जोगी बन जाबा ना तो हम किला पर से कूद के जान दे दे। कहलनी औरतन के चिड़िया चरित्र दियो न जाना है। अपने रानी पिंगला का हम परीक्षा ले ले, हमारे पर इतना इनका प्यार है कि जो जान दे दे सकती है। एक नौकर लेते हैं साथ में और चल पड़ते हैं जंगल की तरफ। तो जल जंगल में पहुंचते हैं तो कैलन का बाबू विदेशिया बाबू पिंगला का प्यार बाबू महुरावा जाना ए लागल लागल मसान के समान राजा धलिया। एक दिन राजा गईल सितारा खेलई बनावा में प्यार के परीक्षा खातिर भेजल ली सलिया। खाई गईले बनावई में धई के राजा के सेरावा हो मिटी गईले दुनिया से जिंदगी जीवलिया। जोगी बा राजा भरथरी एक नौकर साथ में लेते हैं, जाकर के जंगल में एक हिरण को मारते हैं, अपना शाही वस्त्र पूरा बिस्तरा वस्त्र अपना भिगो लेते हैं खून से और नौकर को दे देते हैं, जाओ रानी स्पिंगला को साबूत दे देना कि राजा को जंगल में शेर दबोच करके खा गया। नौकर लाता है, बोलता है कि रानी पिंगला से राजा को शेर जंगल में खा गया। कहे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे राजा को जंगल में शेर खा जाएगा। कहे लो साबूत। जब बाबू साबूत रानी पिंगला देखती है उस समय हुआ क्या बाबू। जब नौकर का साबूत पाती है बाबू रानी पिंगला
चढ़ करके किला पर पक्का पर चढ़ करके कूद के अपनी जान को त्याग देती है। जब राजा भरतहरि को जंगल में खबर हुआ, राजा भरतहरि कहा, हाय रानी पिंगला, हाय रानी पिंगला, हमें इतना नहीं विश्वास था कि मेरे प्रति इतना आपका प्यार है। अल्लाह की लाइन में भैया, राजा भरतहरि का भइल बाबू भावरा बियोगी राजा भोगी बन के बिहरै रानी पिंगला के प्यार में राजा भरतहरि पागल हो जाते हैं, पागल होके घूमे लगलन। आते हैं दरवाजे से, रानी पिंगला को उठाते हैं, ले जाते हैं अंत्येष्टि क्रिया करने श्मशान पर। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद राजा भरतहरि एकदम पागल हो जाते हैं। जहां पर अंत्येष्टि किए थे रोज सुबह वहीं जा करके हाय रानी पिंगला, हाय रानी पिंगला करत हुआ। भेसवा बदल के गुरु गोरख जी भेटैला भैया, दिए उपदेश काहे पतियैला करिया बाबू। हम पिंगला के समल बालक रूप बना करके जोगी बाबा रास्ते में घड़ीला फोर के रोवत हुवन। राजा भरतहरि जब जात हुवन उस समय कहलन जोगी बाबा, ओ राजा भरतहरि हमार गगरी फूट गई बा। कहलन, अरे यार ये तो माटी का पात्र है, ऐसे ही एक हिरन में मारा था, उसमें जीव था, वो जी गया था, ये माटी का पात्र कभी जूटेगा? जोगी बाबा कहलन, ओ राजा भरतहरि तू अपने रानी पिंगला के लिए मर रहे हो ना, अपने रानी पिंगला के लिए मर रहे हो ना, एक पिंगला नहीं मैं अभी हजारों पिंगला दिखाता हूँ।
मिट्टी परोर करके उस फूटा घड़ीला पर मार देते हैं, वो घड़ीला जुट जाता है। राजा भरथरी जोगी बाबा के चरण पर गिर जाते हैं, कहे बाबू दिखाई देता तो भैल का बाबू बाबा मिट्टी परोर करके मारते हैं, एक पिंगला नहीं हजारों पिंगला एक सामने आ जाती है, एकदम वैसे ही साड़ी पेटी गोट वगैरह हर चीज वैसे ही। राजा भरथरी धधाए के पकड़न चहलन, जोगी बाबा कहलन का प्रकट हुए गुरु गोरखनाथ, कहे पहले कर लो पहचान, चाय करके जब इतना बाबू देखते हैं उस समय गुरु गोरखनाथ के चरण में फिर गिर जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये माया की नगरी है, दुनिया कुछ है नहीं। मिला साथ गुरु जी का जगा जोग बस्तन में, भजन भाव भक्ति में रम गए सतगुरु के चरणन में, भन में बीत गई उमारी या पियोगी भर बाबा करण। हाँ अब तू तप गईला, चला हमारे साथ लेकर के बाबूजी चले जाते हैं अपने साथ राजा भरथरी को अंतिम लाइन घर। गुरु बिहारी गुरपत्तु गुरु छैबर की है लाली, दरिया पर लुभाया